किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। सभी किसान भाइयों का तारा कंपनी की तरफ से स्वागत है। जो किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहें वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ये हमने एक नया कृषि यंत्र लॉन्च किया है किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं कि गन्ने की बुआई जो हुई हुई है अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई है। ये गन्ना जो निकल चुका है बाहर, तो इसमें गन्ने के साथ साथ किसान भाई सरसों की पैदावार भी ले रहे हैं, जिसे सह फसली बोला जाता है। किसान भाइयों यह यंत्र जो आप देख रहे हैं यह अब गन्ने में सरसों की बुआई कर रहा है, और इसके बाद आप इसे गन्ने में सरसों कटने के बाद गन्ने में खाद लगाने का भी काम ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई गन्ने की खेती करता है, हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करें। किसान भाइयों वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप देख रहे हैं कि यह 5 फुट पर गन्ना की बुआई हुई है, इसमें सरसों की बुआई चल रही है। तो यह अक्टूबर का जो आखिरी सप्ताह है इसमें सरसों की बुआई हो रही है। किसान भाई जो भी इस यंत्र को लेना चाहे हमारे नंबरों पर संपर्क कर लें, और इसे पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में कहीं भी मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों इसमें हमने सरसों की 4 लाइन दी हैं। कुछ किसान 3 लाइन का भी बनवा सकते हैं, कुछ किसान 2 लाइन का भी बनवा सकते हैं। तो ये किसान की आवश्यकता अनुसार इस चीज़ को तैयार किया जा सकता है। किसान भाइयों इसमें बीज की मात्रा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, और खाद की मात्रा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस यंत्र की सहायता से सरसों की बुआई बहुत ही अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान भाइयों इस यंत्र से आप घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है, और बिना लेबर की सहायता से आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसमें देखिए खाद के साथ साथ सरसों का बीज डाला जा रहा है, और कुछ खाद का जो असर है वो गन्ने को भी मिलेगा और सरसों को भी मिलेगा। इससे किसान की आय में भी इजाफा होता है, गन्ने का गन्ना हो जाएगा और सरसों की सरसों मिल जाएगी किसान को। इस यंत्र की खूबियां मैं आपको बता चुका हूं। जो भी किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें। किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए।